students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, fiber to fabric. तो इस chapter से थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है नाम से कि fiber से हम fabric में कैसे जाते हैं. मतलब कोई भी fiber क्या होता है, threads होती हैं और fabric हमारे जो clothes होते हैं, that we can call it as a fabric. So fiber से fabric में जो conversion है वो कैसे होता है, इस chapter में हम वो पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि what is fiber. तो fiber क्या होती है, थिन स्ट्रेंड्स ऑफ थ्रेड डेट वी सी. हम अधिकतर आपने थिन पतली पतली थ्रेड्स की जो स्ट्रेंड्स हैं उनको देखा है. यस, आर मेड अप ऑफ फाइबर और स्टिल थिनर स्ट्रेंड्स. मतलब जो थिन स्ट्रेंड्स होती है, जो आप लोग मम्मी लोग घर पे लेके आते हैं ना सिलाई करने के लिए या कुछ भी, तो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो और भी छोटे छोटे स्ट्रेंड्स से वो मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं. नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर का मतलब क्या होता है, दोज वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, तो दैट वी कैन कॉल इट एज अ नेचुरल फाइबर. एंड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर इज कॉटन एंड जूट. एग्जाम्पल क्या है नेचुरल फाइबर का, कॉटन और जूट. और सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, रेयन, नाइलॉन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो इस चैप्टर में हम लोग अभी इस फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेचुरल फाइबर एंड हाउ वी कैन फाइंड, हाउ वी कैन प्रिपेयर द नेचुरल फाइबर्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर के अंदर सबसे पहले आता है नेचुरल फाइबर. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आता है कॉटन का. कॉटन हम लोग डेली यूज़ करते हैं, कॉटन अधिकतर नॉर्मली यूज़ किया जाता है, तो हम कॉटन के एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. कॉटन आता है, कैसे कॉटन बनता है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉटन फाइबर. तो सबसे पहले अगर आप कॉटन के किसी फैब्रिक को देखोगे, तो उसको ध्यान से देखोगे तो पतले पतले कॉटन के स्ट्रेंड्स होते हैं उसके अंदर. तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉटन फाइबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द फार्मिंग ऑफ द कॉटन. ना कॉटन प्लांट की फार्मिंग की जाती है, कॉटन प्लांट की फार्मिंग की जाती है. ओके, कॉटन प्लांट की फार्मिंग की जाती है. फ्रॉम देयर वी कैन वी गेट कॉटन बॉल्स. हमें वहां से कॉटन बॉल्स मिलते हैं from the plant, get cotton balls from the plant. Plant में से हमें क्या मिलता है, cotton balls मिलते हैं. So सबसे पहले cotton plants की farming की जाती है. Second point, we get cotton from the plants. Okay, now third point, with the help of hands, hand picking की help से हम cotton और उसके ऊपर का जो hard cover होता है उसको निकालते हैं. Hand picking प्रोसेस की हेल्प से हम उसमें से उसके सीड्स को सेपरेट करते हैं. सबसे पहले सेपरेटिंग सीड्स देन रिमूव द कवर ऑफ दैट कॉटन. देन विद द हेल्प ऑफ गिनिंग प्रोसेस, जो हमारे पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल मेथड है, गिनिंग मेथड है, उसकी हेल्प से गिनिंग इज अ प्रोसेस टू रिमूव द कॉटन, टू मेक द कॉटन प्योर एंड मेक द कॉटन टू यूज फॉर द फाइबर. वी यूज द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. गिनिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को उसमें से अलग कर लेते हैं. कॉटन को उस गिनिंग द कॉटन टू रिमूव सीड्स. ओके, तो गिनिंग इज द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द सीड्स. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फाइबर्स. How many types of fiber? We are having two types of fiber, natural fiber and synthetic fiber. In natural fiber, we are having one example, cotton. So,
In this video, I'm going to just give you a brief description about cotton, how we can prepare the cotton. So for preparing the cotton, we are having cotton plants farming. In this farming, after growing up of the plants of the cotton, we get the cotton balls from the plant. Then with the help of hand picking method, we can remove the good cottons and we can remove the seeds from the cotton balls, and with the help of ginning, remove all the dust particles and remove all the seeds and cover of the cotton balls. We can find out the pure cotton from the cotton balls. Sorry for the interruption. So cotton ball का pure form हम कहाँ से ले सकते with the help of ginning process. तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जूट का. तो जूट का टॉपिक है एक्चुअली जूट इज अ प्लांट. जूट क्या है, एक प्लांट है जहां से हमें जूट मिलता है. अब हम बोलेंगे जूट किस तरीके से मिलता है. तो ये जो जूट की प्रोसेस है वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तब तक के लिए आपको आज के लिए होमवर्क क्या है कि सबसे पहले फाइबर की डेफिनेशन लिखनी है. देन सेकंड में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर वी आर हैविंग, राइट द एग्जांपल्स ऑफ द फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर लाइक नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स लिखिए, प्लस कॉटन की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई वो लिखिए. उसके बाद हम थोड़ा जूट के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर.